अब क्या है? ओ यार ताशिन, तुम समझाओ इस 14 ग्रेड की दिमाग को। ना वो क्यों समझाए, उसकी तो शादी है, और ये जो 1,30,000 रुपए का चेक मेरे मुंह पे मार दिया वो। लो जी, 1,30,000 की कोई औकात ही नहीं है, और मेरे पूरे महीने की तनख्वाह है ये। ना तो मैंने आपको कहा था कि डंगर डॉक्टर बने आप हैं, और वो जो निम्मो भाभी जो मुश्तरे का कारोबार में अपने कल्ले की दुकान चमका रही है। ओ शब्बो, तुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए ना, तो मैं दे देता हूँ। सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ देख शिवा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इस पंचायत के लिए। दो गधे बैठ के क्लिनिक में इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किस तकलीफ में होंगे, फोन पे फोन आ रहा है। देख ले मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं ये। इस सारा पंगा शुरू होने से पहले ना मैंने आपका फोन ऑफ करके साइड टेबल पे रख दिया था, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। और शब्बो, तू भी हथियारों के साथ ही मैदान से जाती है। अच्छा देख, 20,000 का और चेक बना के देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। अरे वाह, आज तो घर में लग रहा है सबको इनाम मिल रहे हैं। बड़े अंकल ने ना परी को भी 10,000 रुपए दिए एक पराठा बनाने पर। ओ जी, देख लो, एक पराठा पकाने पे 10,000 रुपए मिले, और मैं जो 20,00,000 पराठे पका चुकी हूँ, मुझे तो आज तक टका नहीं मिला। अभी 1,30,000 का चेक दिया तो है। और तू रहने दे ताशी, वो निम्मो भाभी कौन सा डिजाइनर है, अल्लाह जाने, जोफा जोफा, उससे ऑनलाइन साड़ी ऑर्डर किया उन्होंने 1,80,000 रुपए की, और मेरा तो पूरा बजट 1,30,000 का है। और देख लिए ताशविन, असल गुस्सा इसको साड़ी का है। आप बड़े अंकल से क्यों नहीं ले लेती, उनके पास ना बहुत पैसे हैं। नहीं 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 नहीं, उनसे नहीं लेंगी, वहाँ तो इनके 14वें क्या 22वें ग्रेड की अनाज जाग जाती है। अच्छा जी ठीक है, फिर चलो मेरे नाल सारे, उन फैसला मामा जी ही करेंगे। हाँ अच्छा अच्छा बेटा, परी तुम किसी काम से आए थे? जी वो बड़े अंकल ना आप लोगों को नाश्ते पर बुला रहे हैं। वैसे ना मिस दिलशाद कहती हैं कि जो शौहर अपनी बीवियों पर पैसे खर्च करते हैं ना, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत बढ़कर डाल देते हैं। परी बेटा, आपकी ये मिस दिलशाद जो हैं, ये फजूल खर्ची के बारे में कोई अकवाल जरी नहीं कहती। अभी तक तो नहीं कहा। ये मिस दिलशाद की करेक्शन ना बाद में करना, पहले मेरा मसला हल करिए। आप मेरे चेक में बात नहीं कर रही।